यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उधर गोरखपुर में दिन दहाड़े गोलीकांड से सनसनी फैल गई। शाहपुर इलाके में एक मां बेटी को गोली मारी गई है, जिसके बाद अज्ञात बदमाश वहां से फरार हो गए। गोली लगने से मां की मौत हो गई है और बेटी का इलाज इस वक्त जारी है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है। तो पूरे इलाके में इस वक्त सनसनी फैल गई है, एक दहशत का माहौल है। मां बेटी को गोली मारी गई है। शाहपुर इलाके में मां बेटी पर गोली चली है। दिन दहाड़े हुए इस गोलीकांड से हर तरफ सनसनी फैल गई। नीरज से अपडेट लेते हैं। नीरज, अभी तक आरोपियों तक पहुंच पाई है पुलिस और मां बेटी की हालत कैसी बनी है? देखिए आस्था, आपको बता दें कि घटना अभी थोड़ी देर पहले की है। शाहपुर इलाके का बशारतपुर ये एरिया पानी टंकी के पास, चूंकि रविवार का दिन था और अज्ञात बदमाश आए और स्कूटी सवार बाइक से दो बदमाश थे, हेलमेट लगाए हुए थे और रविवार का दिन होने की वजह से भीड़भाड़ भी काफी कम रही है। और जैसे ही वो मोड़ पर माँ बेटी स्कूटी लेकर पहुंची है, वहीं पर ताबड़तोड़ गोली चला दी गई है, जिसमें डेविना जो माँ है वो बताया जा रहा है उनकी मौत हो गई है और बेटी जो 18 वर्षीय डेल्फिन है उनको बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है और इनकी हालत भी चिंताजनक बनी हुई है। वहाँ आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं, डीआईजी और एसएसपी, और वहां पर जांच की जा रही है। शहर में कई इलाकों में मोटरसाइकिल की सघन चेकिंग हो रही है और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द बदमाशों को पकड़ लिया जाए। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर माँ बेटी के ऊपर गोली चलाने की वजह क्या, अभी इस तह तक अधिकारी नहीं पहुंच पाए हैं और लगातार पूछताछ जारी है। जी हाँ, लगातार पूछताछ जारी है। लेकिन इस गोलीकांड से दिन दहाड़े जो हुआ है उससे सनसनी फैल गई है। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उधर जालौन में मामूली बात पर हंगामा खड़ा हो गया। दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, खूनी संघर्ष हुआ। दोनों पक्षों के चार लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो ये सीसीटीवी फुटेज हम दिखा रहे हैं उस हंगामे की जो दो पक्षों के बीच में हुआ। बताया जा रहा है कि खूनी संघर्ष हुआ है और बेहद मामूली सी बात पर। दोनों ही एक दूसरे पर टूट पड़े, जबरदस्त मारपीट उनके बीच में हुई और ये सब कुछ सीसीटीवी में रिकॉर्ड है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं।